ये सिग्नेचर बिल्डिंग है, इसकी बैक साइड पे हैं हम, और इधर से हम इधर जाते हैं, फ्रंट की तरफ हम जाते हैं ताकि फ्रंट से जो एक व्यू है ना उसको हम ज़रा कैप्चर करें। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को थोड़ी बहुत मस्ती भी नज़र आएगी। एग्जैक्टली वो ज़रूरी है, जैसे कल के ब्लॉग में नहीं कर सके थे और आज मस्ती करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली एंड ये इनकी एक यहाँ पे इनका आज़री लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्डिंग का नेम लिखा हुआ है। अच्छा, बिल्डिंग का नेम एक तो सिग्नेचर बिल्डिंग से हम इसको प्रोमिनेंट करते हैं, दूसरा हैदर अली मॉस्को। अच्छा, रेड बुल की एड की शूटिंग हो रही है यहाँ पे, आपको नज़र आ रही होगी गाड़ी, नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा, सनी डे है आज और बिल्कुल भी हॉटनेस फील नहीं हो रही है, बड़ा प्लेजेंट वेदर है। एंड और ये जो हवा है ना ये बड़ा अच्छा, मतलब के सही चल रही है ये। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्टली जो है ना सिग्नेचर स्टाइल जो बिल्डिंग है ना वो आपको अभी व्यू आ रहा होगा। Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself. Is she helping with that? यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर जो है ना पानी का फ्लो, जिसे कह सकते हैं क्या कहें इसको, ज़रा स्विमिंग पूल टाइप, इन्होंने क्या कह सकते हैं, वाटरफॉल है, लेकिन इसका फ्लो कहाँ को जा रहा है, बाहर के साइड, आउटसाइड के ऊपर, आउटसाइड पे जा रहा है फ्लो इसका ना, दिखा सकते हैं नीचे से जाएगा फिर अंडरग्राउंड होते हुए वहां से फिर वो आगे ऐसे, ये राइट साइड के ऊपर इसका फ्लो जो है ना मूव कर रहा है और उसके बाद अंडरग्राउंड होके दोबारा से जो है ना रिसाइकल कर रहा है। ये यहाँ से सिग्नेचर बिल्डिंग की एंट्रेंस है और बिल्कुल अगर हम इसके एग्जैक्टली देखें तो ये सिटिंग एरिया है, पार्क कह सकते हैं इसको आप, और बिल्कुल जो है ना इसके फ्रंट के ऊपर है और बड़ा ब्यूटीफुल सीन्स है यहाँ पे। हम उस साइड पे आई लव बाकू वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके हम अपनी स्नैप्स लेते हैं। ये इनके प्राइवेट कंट्रोल रूम है और ये जो है ना जो हमने बिल्कुल टॉप पे वो जो फाउंटेन देखा था ना, तो उसका जो पानी है स्लाइड होके नीचे को आ रहा है। ये एक नहीं है, यहाँ पे दो से तीन फाउंटेन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना कि डाउनवर्ड की तरफ हम जा रहे हैं और एक फाउंटेन सेम जिस तरह से ये है एग्जैक्टली सेम लाइक दिस ये है, और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। ये देखें सेकंड फाउंटेन एंड थर्ड फाउंटेन एंड फोर्थ वन, ये बिल्कुल एंड पे जब हम डाउन ग्राउंड साइड के ऊपर हम मूव कर जाएंगे देन हम ये जो है ना फाउंटेन वाला जो सेक्शन है ना ये पूरा लेफ़्ट साइड पे इन्होंने कवर अप किया हुआ है, और जबकि राइट साइड के ऊपर इन्होंने लिफ्ट्स लगाई हुई हैं जिसके ज़रिए से हम जो है ना नीचे मूव करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बॉटम वाली साइड को जब हम पहुंचेंगे तो उस पर हम तो मैं आपको वहां से ज़रा जो है ना अपवर्ड का जो है ना सीन मैं आपको दिखाऊँगा। और अगर हम यहाँ से चेक करें बिल्डिंग को, सिग्नेचर बिल्डिंग को, ये कुछ ऐसा व्यू आएगा। ये हम बिल्कुल डाउन के ऊपर आ गए हैं और ये देखें कि यहाँ से एग्जैक्टली भी आपको नज़र आ रहा होगा बिल्डिंग का व्यू, और पूरी ग्रीनरी है एंड बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने जो है ना डिज़ाइनिंग की हुई है ग्रासेस के साथ। और ये आपको ये जो एरिया है यहाँ पे कंसर्ट्स होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, और ये मोस्टली जो है ना नाइट के टाइम और इवनिंग के बाद ही यहाँ पे स्टार्ट होता है। और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर वो था, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, बिल्कुल फाउंटेन्स भी हर फ्लोर के ऊपर फाउंटेन्स डिफरेंट बनाई हुई हैं इन्होंने। और यहाँ पे देखें लोग पिकनिक पे आए हुए हैं और वीकेंड है क्योंकि आज अभी स्टार्टिंग है, डिफरेंट टूर्स भी आए हुए हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वहाँ पे भी आपको वो एज़ अ स्विमिंग पूल
छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ और उसको बाद में फिर उन्होंने आगे को डाउन की तरफ उन्होंने वाटरफॉल को की तरह कन्वर्ट किया हुआ, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी ये म्यूज़िकल नाइट्स जहाँ पे होती हैं और क्राउड होता है यहाँ पे काफ़ी, तो ये सामने कैफेटेरिया है, यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और ये देखें ग्रीनरी चेक करें, आपके हर जगह जो है ना आपको ग्रीनरी है, कोई आपको यहाँ पे नीचे कोई रैपर और कोई कागज़ वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सफाई का इतना इंतज़ाम है पूरे आज़रबाईजान और बाकू के अंदर आपको किसी भी स्ट्रीट के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। ये मैं सफाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं रैपर हैं, यहाँ के लोग भी जो है ना बड़ा थोड़ा सा एजुकेटेड हैं और ग्रीनरी है। और दूसरा ये कि अपने पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं ना कि वहाँ पे जगह जगह रैपर्स जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं ना वहाँ पे होती हैं, ये गार्बेज जो है वो कहीं पे बिठाते हैं। एग्जैक्टली, अभी ये कॉन्सर्ट वगैरह की तैयारी, हाँ ये भी आज चूँकि संडे है सैटरडे है तो यहाँ पे जो है ना कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही है, यहाँ पे वो सारा वो अरेंजमेंट लाइट्स का और म्यूज़िक का सारा कर रहे हैं। और ये कैफे सामने, ये क्या, ये जो है गार्बेज कलेक्टर, ये देखें ये गार्बेज कलेक्टर की मशीन है यहाँ पे।